नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी स्टोरी ट्यूब में लेकर आए हैं एक पौराणिक कथा जिसका शीर्षक है बालक मार्कंडेय। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पर नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, हमारे देश में मरकंडू और मरुद्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। हिमालय पर्वत के त्रिभाग में हरे भरे पेड़ों और पर्वतों से घिरे अपने छोटे से आश्रम में वे बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शिव जी की पूजा किया करते थे। मरकंडू बड़े सवेरे उठकर पास बहुत स्वच्छ झरने में स्नान करते तथा सुविकसित सुगंधित पुष्पों को चुनकर आश्रम में ले आते, जहाँ बड़े प्रेम से मरुद्वती उन फूलों की माला बनाती, स्वच्छ चमकते पात्र में आश्रम की गाय का दूध धोती, फिर वह शिवजी की पूजा करने बैठ जाती, उन्हें दूध से नहाती, मंत्र पढ़ती और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर माला भेंट करती। इस प्रकार रहते और शिवजी की आराधना करते बहुत समय बीत गया। मरकंडू और मरुद्वती की आयु बढ़ने लगी, परंतु उन्हें पुत्र का मुख देखना नसीब न हुआ। वे चिंता करने लगे, बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा, देवताओं की पूजा कौन करेगा, आश्रम की रक्षा कौन करेगा, क्योंकि उस जमाने में जमीन जोत कर अन्न उपजाने को पृथ्वी की पूजा करना कहते थे। आकाश, वायु, अग्नि और जल प्रकृति के वरदानों का उनके नियमों के अनुसार प्रयोग करना ही उस समय में इनकी पूजा करना समझा जाता था, और सारे विश्व की कल्याण कामना ही शिव जी की पूजा थी। सब लोग मिलकर एक ही समय में विश्व के कल्याण की कामना करें, संसार की सहायता के कामों में लग जाएं, इससे शिवजी के व्यक्तित्व की कल्पना की गई थी, क्योंकि शिवजी का ध्यान करते ही लोगों का ध्यान उनकी कल्याणकारी प्रवृत्ति पर केंद्रित हो जाता है। अंत में हताश होकर दोनों पति पत्नी एक दिन शिवजी का ध्यान करते हुए आश्रम के निकट बैठ गए और बोले, भोलेनाथ, अब हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक तुम हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगे। बैठे बैठे उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु उनका दृढ़ संकल्प नहीं टूटा। उनका विश्वास था कि हो ना हो एक दिन शिवजी जरूर उनकी प्रार्थना सुनेंगे और उनकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि उन दिनों अपनी हट मनवाने, अपना संकल्प पूरा कराने का एक ही तरीका था, तपस्या, जो कि आजकल के उपद्रव, हड़ताल और तोड़ फोड़ करने से कहीं अच्छा था। आखिरकार शिवजी ने उनकी प्रार्थना सुन ली, उनकी तपस्या के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। एक दिन बड़े सवेरे जब नित्य क्रम से निवृत्त होकर पति पत्नी ध्यानमग्न बैठे थे तो अचानक शिवजी प्रकट हुए। भस्मांकित मुस्कुराता चेहरा, नीला कंठ, माथे पर तीसरा नेत्र, हाथ में त्रिशूल, गले में सांपों की माला, सब कुछ ठीक ठाक था। शिवजी बोले, मांगो, क्या मांगते हो? भगवान, हमें पुत्र की प्राप्ति हो। वे बोले, अच्छा ये बात है। शिवजी ने हंसकर उत्तर दिया, कहो कैसा पुत्र चाहिए? गुणी, परंतु कम आयु वाला अथवा निर्गुण और बहुत दिन जीने वाला? मरुद्वती के ने पति को देखा और फिर कहा, भगवान, हमें गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे वो कम दिनों तक ही जीवित रहे। तथास्तु कहकर शिवजी मेघ मंडल में बिजली के समान अंतर्ध्यान हो गए। ठीक समय पर मरकंडू दंपति के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम रखा गया मार्कंडेय। ठीक ही है, मरकंडू का पुत्र मार्कंडेय ही तो कहलाएगा। मार्कंडेय अभी 5 वर्ष का ही था कि उसके पिता ने उसे शिक्षा देना शुरू किया। बेटा, हमेशा सच बोलना, प्रकृति के जीवों के साथ मेल मिलाप रखना, उन्हें बिना कारण कष्ट मत पहुंचाना, कर्तव्य पथ से कभी ना हटना। भगवान शिव की कृपा से हमने तुम्हें पाया है, उनके कहने के अनुसार तुम्हारी आयु अधिक नहीं होगी, परंतु यदि तुम परिश्रम करोगे तो सम गुण तुम्हें वास करेंगे। माता मरुद्वती भी नित्य प्रति पुत्र को आश्रम सेवा का कार्य सिखाती, पेड़ पौधों की देखभाल, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन, भोजन तैयार करने की कला, आश्रम की सुरक्षा, फिर शिवजी की पूजा जो सर्वोपरि थी। सभी कामों में मार्कंडेय अपनी माता के साथ रहता, उससे सीखता, उनकी सहायता करता। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो माता पिता से आज्ञा लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। उसकी तीव्र इच्छा थी कि वह ऋषि अगस्त्य को खोज कर उनसे विद्या प्राप्त करे। उन दिनों दक्षिण में अगस्त्य का नाम बहुत था, दूर दूर से लोग आकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। सुना जाता था कि वे पशु पक्षियों, भालू बत्रों को पढ़ना लिखना सिखा देते थे। दक्षिण पहुंचकर मार्कंडेय ने सबसे पहले एक सुंदर नीले रंग का पत्थर ढूंढा और बड़े प्रेम परिश्रम से उसे चिकना बनाकर शिवलिंग स्थापित किया। फिर वह प्रतिदिन नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करने लगे। शिव मंदिर की सफाई, दूध और बैल
के पत्तों को लाना, मंदार के पुष्पों बीजों को ढूंढना, उनकी माला बनाना, फिर स्नान कर सबको शिव जी को अर्पित कर देना, ये उनका नित्य कर्म बन गया। वह अगस्त मुनि की पाठशाला में भी जाते और वहाँ भी मन लगाकर अपना काम करता। देश विदेश से आए हुए विद्यार्थियों के बीच उनका बड़ा मन लगता। अगर अभी तक की कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एक बार सप्तऋषि यात्रा करते हुए दक्षिण की ओर आ निकले। मार्कंडेय ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सप्तऋषियों की सेवा की। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु और वशिष्ठ ऋषियों, ये सातों ऋषि उसकी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कुछ दिन दक्षिण में ही रहने का निर्णय लिया। यद्यपि उनका स्थायी निवास आकाश के उत्तरी भाग में मानसरोवर के ठीक ऊपर ध्रुव तारे के पास है। अंत में वह दिन आ गया जब सप्तऋषियों को वापस लौटना था। एक एक कर सातों ऋषियों ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, परंतु जब सब से अंत में गुरु वशिष्ठ के मुँह से पुत्र दीर्घायु हो ये शब्द निकले तो अचानक उनकी दृष्टि उसके माथे पर पड़ गई। मार्कंडेय के ललाट की स्पष्ट रेखाएं उसकी अल्पायु की कहानी कह रही थी। वशिष्ठ ने तुरंत भाव लिया कि इस लड़की की मृत्यु निकट है और मेरा आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। सातों ऋषि बड़ी सोच में पड़ गए। वह मार्कंडेय की सेवा से इतना प्रसन्न थे कि किसी प्रकार भी उसकी मृत्यु नहीं चाहते थे। खैर, उस समय वे कुछ भी ना बोलकर दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए और उनसे बालक को दीर्घायु बनाने की प्रार्थना करने लगे। सप्तऋषियों की बातें सुनकर ब्रह्मा बहुत जोर से हंसे। आप लोग व्यर्थ ही चिंता करते हैं, उन्होंने कहा। ये लड़का तो शिव का उपासक है। शिव जी क्या अपने भक्तों को छोड़ देंगे? आप लोग चिंता ना करें, शिव का भक्त कभी कष्ट नहीं उठाता। सप्तऋषिगण आश्वस्त होकर अपने घर चले गए। इधर दक्षिण में प्रवास करते और अगस्त मुनि से शिक्षा प्राप्त करते 4 वर्ष बीत गए थे। मार्कंडेय 16 वर्ष के हो गए। श्रव मृत्यु के देवता यम को भी अपने कर्तव्य की याद आई। तुरंत अपना पाश हाथ में लेकर यम मार्कंडेय के पास पहुंच गए और पीछे से पाश का फंदा किशोर वे बालक के गले में डाल दिया। परंतु मार्कंडेय तो उस समय अपने इष्ट देव की पूजा में मग्न थे। उसने यम से थोड़ा ठहर जाने को कहा। बालक की बात सुनकर यम बहुत जोर से हंसा। अरे मूर्ख, मौत भी किसी के लिए ठहरती है, वे बोले और फंदे का एक और लपटा बालक के चारों ओर खींच दिया। फिर उसे जोर से झटका। यम की जिद देख कर बालक मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग से चिपट गए। अपनी लंबी बलिष्ठ बाहों से उसने शिव जी को अपनी छाती से लगा लिया। उसे लगा समस्त पृथ्वी का और उसका अपना कल्याण भी उस समय शिवलिंग को चिपटाए रखने पर निर्भर है। चाहे जो हो जाए, वह शिव प्रतिमा को नहीं छोड़ेगा। इधर यम के क्रोध का पारा चढ़ने लगा। उसे अपने काम में विलंब की आदत नहीं थी। वो तो मिनटों में आता और आनंद फानन में अपना काम करके चला जाता था। यम ने अपनी पूरी शक्ति से रेशमी डोर को खींचा। बालक का गला रुंधने लगा। हे महादेव, रक्षा करो, वह चिल्लाया। अचानक शिवलिंग उसके हाथ से छूट गया और भगवान शिव प्रकट हुए अपने पूरे रौद्र रूप में। बात यह हुई कि यम ने अजब अहंकार में भरकर दूसरी बार अपना पाश फेंका तो शिवलिंग भी उसकी चपेट में आ गया। इससे शिव जी को असुविधा हुई और वह व्याकुल होकर प्रकट हुए। शिव जी के एक धक्के से यम पछाड़ खाकर गिर पड़ा और अपना पाश लेकर भागा। भोलेनाथ ने बालक को गोद में बिठाकर प्यार किया और उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया। उस दिन मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की थी। शिव जी की कृपा से उसने आजीवन 16 वर्ष के नवयुवक के समान कार्य करने की शक्ति आ गई और मृत्यु की जीत लेने के कारण उसी दिन से लोग भोलेनाथ को भी मृत्युंजय कहने लगे। मार्कंडेय अपनी दृढ़ इच्छा और संकल्प शक्ति के कारण ही मृत्यु को पराजित करने में सफल हुए थे। यदि उसमें स्वयं जीवित रहने की प्रबल कामना न होती तो शिव जी भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। मृत्यु के मुख से बचकर किशोर मार्कंडेय और भी अधिक परिश्रम में पड़ने लगे। उसके ज्ञान और विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। मार्कंडेय बहुत काल तक जिए। अच्छे बुरे स्त्री पुरुषों को उन्होंने बहुत निकट से देखा। प्रकृति की विनाशकारी और कल्याणकारी शक्तियों को अलग अलग पहचाना और फिर अपने इस ज्ञान के निचोड़ को अपनी पुस्तक मार्कंडेय पुराण में लिख दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।